अजीबोगरीब खाने की बात करें तो दुनिया में एक से बढ़कर एक अनोखे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे और वो तुरंत इंटरनेट पे वायरल भी हो जाते हैं, क्योंकि आज का जमाना बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे ओरियो पकौड़े के बारे में, शायद आपने सुना भी ना हो। स्वागत है आपका जब गजब में और मैं हूँ मेघा। इंटरनेट पर एक फूड कॉम्बिनेशन वायरल हो रहा है, ओरियो बिस्किट के पकौड़े। कुछ दिन पहले ओरियो मैगी और मैगी आइसक्रीम जैसे फूड कॉम्बिनेशन इंटरनेट पर लोगों की गालियां खा चुके हैं। गालियां इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन कॉम्बिनेशन का जो टेस्ट होता है ना, वो बेहद रद्दड़ और दो टके का होता है। एक शख्स ने तो कोल्ड ड्रिंक में पिज्जा डुबोकर ही खा लिया था। अब एक ऐसा ही बेहद अजीब सा फूड कॉम्बिनेशन फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ओरियो का पकौड़ा बना के खिलाया जा रहा है। आपने ओरियो बिस्किट्स तो देखे होंगे, बच्चों को इवन बड़ों को भी वो बेहद पसंद आते हैं। चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं, अंदर क्रीम होती है। लेकिन इसे जिस तरह से बनाया गया है उसे देखकर लोग अपना दिमाग भन्ना चुके हैं और अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं। इस अजीबोगरीब आविष्कार को शेयर किया है यूट्यूब के चैनल फूडी इनकार्नेट ने। इस चैनल को चलाने वाले फूड ब्लॉगर अमन सिरोही खुद भी इस डिश को खाकर सदमे में चले गए थे। दोस्तों, अगर आप इस दो टके के कॉम्बिनेशन को खाना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ओरियो बिस्किट्स को बेसन के घोल में लपेटना है और फिर उसे कड़कते हुए तेल में तल देना है। इसे आप खजूर की चटनी, हरी मिर्च किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और हैरान करने वाली बात तो है कि जिस फूड ब्लॉगर ने इसे बनाया है वो इसे अपने गले से नीचे नहीं उतार पाया। ओरियो पकौड़ा जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग सदमे में चले गए। हर किसी ने इस घटिया डिश पर अपने क्रिएटिव कमेंट देने शुरू कर दिए। एक यूज़र ने तो लिखा, यार प्लीज़ इसे मत दिखाओ। वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा, अब दुनिया ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि अब कुछ देखने को बाकी नहीं रहा। अगर आप चाहें और आप एडवेंचरस हैं तो आप अपने घर में ओरियो बिस्किट्स के या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। भाई उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते, ये तो आपको ही पता होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने पकौड़ा बनाया तो आपके साथ क्या हुआ। अजब गजब में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।